हेलो दोस्तों, लोड सेल एक ऐसा इकलौता ट्रांसड्यूसर है जिससे किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, लीगल कंप्लायंस और टेस्ट क्लॉज जैसे जीएसटी वगैरह लिंक्ड होते हैं। इस कारण किसी भी इंडस्ट्री में इसका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने देखा होगा रॉ मटेरियल इनपुट से लेकर फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रोसेस कंट्रोल में डायनेमिक मेजरमेंट जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी डिसाइड होती है, इन सब में लोड सेल ट्रांसड्यूसर रिस्पॉन्सिबल होता है। लोड सेल से जुड़े कई सारे इश्यूज हैं जो हम इंडस्ट्री में डेली टू डेली काउंट करते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। किसी भी लोड सेल की दो शानदार खासियत होती है, वो है इसकी रिपीटेबिलिटी और लीनियरिटी, जिस पे आप ब्लाइंडली यकीन कर सकते हैं। कुछ ग्राम से लेकर हजारों टन तक ये लीनियरिटी मेंटेन होती है और बहुत सालों तक, बहुत समय तक मेंटेन रहती है, जब तक कि लोड जो है ट्रांसफर मैकेनिज्म में कोई डिस्टर्बेंस या लोड सेल अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये अप्लाइड फोर्स को इलेक्ट्रिकल मेजरेबल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। इसका बेसिक एलिमेंट जो है एक स्ट्रेन गेज होता है जो एक वायर से बना होता है। स्ट्रेन गेज में जो वायर यूज होता है उसका रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला से गवर्न होता है। जब स्ट्रेन गेज पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इसके वायर के लेंथ या फिर एरिया में कुछ चेंज आता है, इससे इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। इस रेजिस्टेंस चेंज को हम एक वीटेसन ब्रिज से मेजर कर लेते हैं और इसको फिर किलोग्राम या फिर टनेज की टर्म में इंडिकेटर पर शो करते हैं। सो सिंपल। अब इस स्ट्रेन गेज का एक गेज फैक्टर भी होता है जिससे इसकी सेंसिटिविटी डिसाइड होती है। ये जो गेज फैक्टर होता है वो यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस और यूनिट चेंज इन स्ट्रेन का रेशियो होता है। ये जितना ज़्यादा होगा सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब जब आप लोड सेल प्रिक्योर करेंगे तो सेंसिटिविटी स्पेसिफाई करेंगे। ये जनरली 2 mV/V होता है, आप 3 mV/V पे भी जा सकते हैं। ये तो हो गया सेंसिटिविटी। अब लोड सेल एक्टिव ट्रांसड्यूसर नहीं है, मतलब कोई वोल्टेज या करंट सिग्नल खुद प्रोड्यूस नहीं करता जैसे थर्मोकपल मिलीवोल्ट प्रोड्यूस करता है। ये पैसिव ट्रांसड्यूसर है जिस पर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करके चेंज इन रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। इस वोल्टेज को एक्साइटेशन वोल्टेज बोलते हैं। मान लो एक लोड सेल है जिसकी सेंसिटिविटी 2 mV/V है और कैपेसिटी 100 टन है। इसको अगर 1 mV एक्साइटेशन वोल्टेज दिया जाए तो 100 टन लोड पर अप्लाई करने पर यह 2 mV आउटपुट देगा, और अगर 50 टन अप्लाई किया जाए तो लाइकवाइज 1 mV आउटपुट आएगा। सो सिंपल। इसमें जो है गजब की लीनियरिटी होती है। आप मल्टीमीटर से मिलीवोल्ट मेजर करके भी कितना वेट है अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कभी आपको लगे कि इंडिकेटर सही काम नहीं कर रहा। लेकिन जो है एक्साइटेशन वोल्टेज 1 वोल्ट ने देकर 12 वोल्ट दिया जाता है। इससे क्या होगा कि अब मेरा 100 टन पर जो आउटपुट है 24 mV आएगा, ताकि मेजरमेंट में और ज़्यादा आसानी हो। अब सवाल आता है कि ये जो है 12 वोल्ट है एसी है या डीसी। मोस्टली एसीटिक मेजरमेंट मतलब छोटे वेइंग स्केल वेबरिज में जो है डीसी वोल्टेज होता है, जहाँ इंडिकेटर जो है लोड सेल के एकदम पास लगाया जाता है। लेकिन डायनेमिक मेजरमेंट सिस्टम जैसे वेव फीडर, बेल्टवेयर या फिर सॉलिड फ्लो फीडर में हाई फ्रिक्वेंसी एसी वोल्टेज होता है। लोड सेल केबल लेंथ ज़्यादा होने से प्लांट ऑपरेशन से कई ट्रांजिएंट नॉइस सुपर इम्पोज हो जाती है, वो भी मिलीवोल्ट ऑर्डर की होती हैं। अगर हाई फ्रिक्वेंसी एसी सप्लाई होगा तो जो है नॉइस कैंसिल आउट हो जाती है। वैसे यहाँ भी एक्साइटेशन जो वोल्टेज है डीसी ले सकते हैं आप, नो बाउंडेशन, पर उस कंडीशन में पावर लाइन 50 Hz फिल्टरिंग करना पड़ेगा। ओके। अब लोड सेल में एक स्ट्रेन गेज यूज नहीं किया जाता, मतलब हर लोड सेल में जो है 4 स्ट्रेन गेज होते हैं और चारों गेज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का पार्ट होते हैं, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है लोड सेल के अंदर ही फॉर्म किया जाता है। इन चारों गेज का जो है लोड सेल में ऐसे ओरिएंटेशन रहता है कि 2 गेज जो है कंप्रेशन में रहते हैं लोड अप्लाई करने पे और 2 बाकी जो गेज है वो टेंशन में रहते हैं, जिससे लोड सेल में चेंज इन रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा मिलता है। इससे ब्रिज जो है मैक्सिमम अनबैलेंस होगा और हमें आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा। चारों स्ट्रेन गेज एक लोड सेल में होने की वजह से एम्बिएंट टेम्परेचर का भी जो है ऑटो कंपनसेशन हो जाता है। इस लोड सेल से हमें 4 वायर बाहर आते हैं, एक शील्ड होता है, 2 जो वायर है आपके ब्रिज के ऑपोजिट एंड पे होते हैं जहाँ एक्साइटेशन वोल्टेज दिया जाता है, और बाकी जो वायर हैं वो आपके सिग्नल आउटपुट होता है। अब लोड सेल 4 वायर भी होते हैं, 6 वायर भी होते हैं। 4 वायर लोड सेल मोस्टली जो है लोकल वेइंग मशीन या एस्थेटिक मेजरमेंट के लिए यूज होता है, जहाँ जो है वेइंग प्लेटफॉर्म है इंडिकेटर के पास होता है। इससे लोड सेल की कॉस्ट भी कम हो जाती है। ये वेइंग स्केल फैक्ट्री कैलिब्रेटेड होते हैं और इसमें ये रिकमेंड किया जाता है कि 4 वायर लोड सेल की कभी भी केबल को काटे नहीं, क्योंकि इनको फिक्स लेंथ के लिए कंपनसेट करके फैक्ट्री कैलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रहे। अब प्रोसेस प्लान में जो मेजरमेंट है कंट्रोल रूम या पैनल से काफ़ी दूरी पे होता है, यहाँ अगर 4 वायर लोड सेल यूज़ करेंगे तो आपकी वेट एक्यूरेसी कंप्रोमाइज हो जाएगी।
क्योंकि फोर वायर लोड सेल में एक्साइटेशन वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम आती है। होता क्या है, लोड सेल में जब तक आपका वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, मतलब कोई लोड अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो सिग्नल आउटपुट भी 0 मिलीवोल्ट होता है। जैसे ही आप लोड सेल पर लोड अप्लाई करते हैं, ब्रिज अनबैलेंस हो जाता है और सिग्नल आउटपुट में लोड के हिसाब से मिलीवोल्ट मिलता है। अब ब्रिज अनबैलेंस होने से ब्रिज में करंट फ्लो होता है, जिस कारण एक्साइटेशन सप्लाई वायर में ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये स्क्रीन पे देखें, जब सर्किट में लोड डिस्कनेक्टेड है तो वायर में भी जो करंट है 0 है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी 0 होता है। जैसे ही लोड कनेक्ट होता है तो वायर में करंट फ्लो होता है और ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब अगर लोड सेल से इंडिकेटर की केबल की लेंथ छोटी है तो वोल्टेज ड्रॉप मेजरमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसलिए लोकल मशीन में जो है फोर वायर लोड सेल ही यूज किया जाता है, बट फॉर फिक्स लेंथ। अब प्रोसेस प्लांट में रिमोट मेजरमेंट होने के कारण केबल लेंथ ज्यादा होती है। अगर फोर वायर लोड सेल यहाँ यूज किया गया तो वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो है वेट में एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, केबल लेंथ बनने से कंसिडरेबल वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए रिमोट मेजरमेंट में 6 वायर लोड सेल यूज किया जाता है। उसी फोर वायर लोड सेल में क्या करते हैं, 2 वायर एक्स्ट्रा ऐड की जाती है, जिसको हम सेंस वायर बोलते हैं, जो एक्साइटेशन सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में होती है। ये एक्साइटेड जो एक्स्ट्रा 2 वायर्स हैं सेंस वायर, वो वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन के लिए होते हैं। ये दोनों सेंस वायर इंडिकेटर में ऐसे सर्किट में कनेक्ट होते हैं जो ये चेक करता है कि एक्चुअल में लोड सेल पर कितना एक्साइटेशन वोल्टेज पहुंच रहा है, ताकि जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ उतना वेट मेजरमेंट में कंपनसेट किया जा सके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि उन 2 एक्स्ट्रा वायर में भी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसका क्या? नहीं, उस 2 एक्स्ट्रा वायर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, क्योंकि ये दोनों सेंस वायर हाई इनपुट इम्पीडेंस ऑपरेशन एम्पलीफायर मेजरमेंट सर्किट पर कनेक्ट होते हैं। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट स्टेज में हाई इम्पीडेंस वाले मॉस्फेट होते हैं, जो सोर्स से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट लेते हैं, मतलब 0 करंट फ्लो होता है सेंस वायर में, इसलिए सेंस वायर में ओम्स लॉ के हिसाब से कोई ड्रॉप नहीं होता। ये बिल्कुल मल्टीमीटर से वोल्टेज मेजर करने जैसा है। मल्टीमीटर वोल्टेज मेजर करते समय सोर्स से कोई करंट नहीं लेता, क्योंकि मल्टीमीटर की जो इनपुट इम्पीडेंस है मेगा ओम्स में होती है। क्लियर नाउ? अब लेते हैं स्टैटिक मेजरमेंट। इसमें वेइंग प्लेटफॉर्म के नीचे 4, 6 या 8 लोड सेल लगाए जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म इन लोड सेल पे इस तरह से माउंट किया जाता है कि प्लेटफॉर्म पे वेट कहीं भी रखा जाए तो इसका इफेक्ट जो है हर लोड सेल पे आना चाहिए। इन लोड सेल को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, मतलब एक्साइटेशन वायर्स को पैरेलल में सप्लाई दी जाती है और सारे लोड सेल के सिग्नल आउटपुट को भी पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ताकि आउटपुट सिग्नल जो है एवरेज आउट हो जाए, जिससे प्लेटफॉर्म पे वेट कहीं भी रखा हो उसका एवरेज आपका सेम आए। ये अरेंजमेंट छोटे स्केल से लेकर बड़े वेब्रिज तक यूज किया जाता है, जिसका प्लेटफॉर्म रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में होता है और लेंथ फिट के हिसाब से 4, 6 या लोड सेल यूज किए जाते हैं। इंस्टॉलेशन के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि लोड सेल पर जो प्लेटफॉर्म पे 100% लोड ट्रांसफर होना चाहिए, नहीं तो रिपीटेबिलिटी की समस्या आएगी, जिससे आपको फिर लोड सेल अलाइनमेंट बार बार करना पड़ेगा। तो मेक श्योर जो है आपका प्लेटफॉर्म का जो है लोड 100% ट्रांसफर होना चाहिए लोड सेल पे। अब इंडस्ट्री में सर्कुलर ऑब्जेक्ट जैसे हॉपर, बंकर, टैंक्स वगैरह होते हैं, इन सर्कुलर ऑब्जेक्ट को RCC या फिर स्टील प्लेटफॉर्म पर 3 लोड सेल रखकर इंस्टॉल किया जाता है। ये तीनों लोड सेल 120 डिग्री पर आपके इंस्टॉल किए जाते हैं और एज यूजुअल पैरेलली कनेक्ट होते हैं। इन इंस्टॉलेशन में ये ध्यान रखना चाहिए कि इन ऑब्जेक्ट का प्रोसेस इक्विपमेंट में कोई फिजिकल हार्ड कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इन ऑब्जेक्ट्स इनपुट फीडिंग शूट या फिर पाइपलाइन या फिर आउटपुट डिस्चार्ज शूट से एकदम आइसोलेटेड होने चाहिए ये ऑब्जेक्ट जो है। अगर नहीं कर सकते तो फ्लेक्सिबल बेलो ज्वाइंट आप यूज कर सकते हैं। इसका पर्पज ये है कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है सिर्फ लोड सेल पे आना चाहिए, न कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर या किसी इक्विपमेंट पर, ये तो रीडिंग जो है आपकी गलत आएगी। इंडिकेटर लोड सेल के पास इंस्टॉल किया जाता है और फाइनली इंडिकेटर आउटपुट 4 to 20 mA या फिर जो प्रोफिबस कनेक्शन है कंट्रोल रूम में इंडिकेशन के लिए जाता है। प्रोफिबस कनेक्शन में आप जो है रिमोट टेयर स्पान का भी प्रोविजन होता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। अब लेते हैं डायनेमिक मेजरमेंट। बेल्टवेयर, वे फीडर, सॉलिड फ्लो फीडर या मॉनिटर्स का जो डायनेमिक मेजरमेंट के लिए इंडस्ट्री में यूज होता है, इसमें लोड सेल असेंबली इक्विपमेंट का मतलब जो कन्वेयर बेल्ट है या वे फीडर है उसका ही पार्ट होती है, जिसमें रनिंग बेल्ट का जो लोड है एक ट्रांसम असेंबली पे लोड ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसम असेंबली इक्विपमेंट स्ट्रक्चर से एकदम आइसोलेटेड होती है। मोस्टली लोड सेल माउंटिंग के दोनों तरफ 0.5 मीटर यानी आधे मीटर तक लोड कंसिडर्ड होता है इसमें। ये ट्रांसम असेंबली सिंगल या फिर आपकी ड्यूल लोड सेल भी हो सकती है। ड्यूल लोड सेल होने से एक्यूरेसी बढ़ जाती है, जो कि एक डायनेमिक मेजरमेंट की डिमांड भी है।
लोड सेल की कैपेसिटी बेल्ट के 1 मीटर जोन में जितना मैक्सिमम मटेरियल का वेट हो सकता है उस पर डिपेंड करती है, प्लस उस पर 20% आप सेफ्टी मार्जिन लेके डिसाइड कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी। सॉलिड फ्लो फीडर एंड मॉनिटर, इसके अंदर एक कर्व्ड इंपैक्ट प्लेट होती है जिसका लोड एक या दो लोड सेल पर ट्रांसफर किया जाता है। इसमें मटेरियल इंपैक्ट लोड आने से लोड सेल की जो रीडिंग्स में हाई फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएशन आते हैं, जिसको फिल्टर करने के लिए ऑयल डंपिंग असेंबली को लगाया जाता है, जिसमें सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी की जो नॉइज़ है वो कम हो जाती है। इन सब डायनेमिक मेजरमेंट में एक्यूरेसी कम होती है स्थेटिक मेजरमेंट के कंपेरिजन में फॉर ऑब्वियस रीजन, इसलिए ड्यूल लोड सेल अरेंजमेंट में आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। ये तो ही लोड सेल की कहानी। अब इन लोड सेल से जो आउटपुट आता है वो मिलीवोल्ट की टर्म्स में आता है, इनको फिजिकल रीडिंग में कन्वर्ट करना होता है। इसमें मिलीवोल्ट सिग्नल को एनालॉग एम्पलीफायर फिल्टरिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में होने के बाद सिग्नल को जो है डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस किया जाता है, जिसमें ये टेयर और स्पान कैलिब्रेशन फैसिलिटी होती है। इस यूनिट में RS232 भी पोर्ट भी हो सकता है जो आप डायरेक्ट जो है डिजिटल फॉर्म में रीडिंग को सेप में ले सकते हैं या फिर किसी एंटरप्राइज आपके इन्वर्स सिस्टम में ले सकते हैं। डायनेमिक मेजरमेंट के लिए इंडिकेटर यूनिट में रिमोट एनालॉग सिग्नल 4 to 20 mA का भी प्रोविजन होता है जो आप PLC या DCS में भी ले सकते हैं। आप फील्ड बस इनेबल जैसे प्रोफीबस बेस्ड इंडिकेटर कंट्रोलर भी ले सकते हैं जिसमें रिमोट टेयर स्पान की फैसिलिटी होती है। वेइंग सिस्टम में लेटेस्ट बजवर्ड है इंटेलिजेंट लोड सेल। इस एनालॉग लोड सेल में प्रॉब्लम क्या है, जो सिग्नल है वो टेम्परेचर से भी इफेक्ट होता है, साथ में इलेक्ट्रिकल नॉइज और इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम अलग होती है। फोर वायर लोड सेल है तो वोल्टेज ड्रॉप की समस्या अलग। इन रीजन्स की वजह से सिग्नल एक्यूरेसी एम्बियंट कंडीशन चेंज होने से कंप्रोमाइज हो जाती है। इंटेलिजेंट लोड सेल इन सारी समस्याओं का जवाब है। अब उसी एनालॉग लोड सेल में सेंसर के साथ एक इनबिल्ट डिजिटल ट्रांसमिशन मॉड्यूल ऐड कर दिया जाता है। ये बन गया आपका इंटेलिजेंट लोड सेल। इस डिजिटल ट्रांसमिशन मॉड्यूल में सिग्नल एम्पलीफिकेशन फिल्टरिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन माइक्रोप्रोसेसर चिप टेम्परेचर कंपनसेटर साथ ही स्केल कन्वर्शन के लिए और कैलिब्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो भी लोड होते हैं। एक इंटेलिजेंट लोड सेल को आप लैपटॉप से डायरेक्टली कनेक्ट करके 232 पोर्ट पर डायरेक्ट ASCII फॉर्मेट में आप लोड सेल की रीडिंग्स ले सकते हैं या फिर कॉन्फिगर कर सकते हैं। आप चाहें तो लोकल इंडिकेटर में 4 to 20 mA या फिर प्रोफीबस कनेक्टिविटी भी ले सकते हैं। लोड सेल से आउटपुट सिग्नल डिजिटल फॉर्म में होता है तो लॉन्ग ट्रांसमिशन में जो है इंटरफेरेंस नॉइज की समस्या भी खत्म हो जाती है। टिपिकल एनालॉग लोड सेल के डिजिटल इंडिकेटर में जो है आपका 16-bit A to D कन्वर्शन यूज होता है, जिससे आपको ऑलमोस्ट 50,000 काउंट्स या फिर स्टेप्स मिलते हैं। एक इंटेलिजेंट लोड सेल में इन बिल 20-bit का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है जो आपको 1,000,000 काउंट्स या स्टेप देता है। एक वेइंग सिस्टम में जिसमें ऐसे 4 इंटेलिजेंट लोड सेल हैं उसमें आपको 40 lakh काउंट्स मिल जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का रेजोल्यूशन मिलता होगा इन डिजिटल लोड सेल में, जो एक ट्रेडिशनल एनालॉग वेइंग सिस्टम में मिलना मुश्किल है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लोड सेल पे जो है प्रोग्राम? अगर आपको कोई भी डाउट है या क्यूरी है वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है डाउट्स क्लियर वो क्लियरिफाई करें। थैंक यू, बाय बाय।